हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं यूरिक एसिड से जुड़ी हुई समस्या। यूरिक एसिड शरीर में जो जॉइंट्स होते हैं उनको प्रभावित करके दर्द उत्पन्न करता है। काफी लोग पीड़ित हैं यूरिक एसिड से। तो देखिए, जो यूरिक एसिड है जो बोन के जॉइंट्स होते हैं उस पर डिपॉजिट हो जाता है, और डिपॉजिट हो जाने की वजह से वहां पर दर्द आ सकता है, स्वेलिंग आ सकती है। और यूरिक एसिड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनता है, तो जिनका भी यूरिक एसिड बढ़ा रहता है वो प्रोटीन का सेवन कम कर दें। प्रोटीन मतलब जैसे राजमा है, चना है और काबुली चने, इन सब का सेवन कम करना है, बंद कर देना है। तो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में आसानी होगी। और आप पहले से ही जानते हैं कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, एक साधारण सी कहावत है, उसी कहावत को अगर समझा जाए तो जैसे यूरिक एसिड है उसको निकालने के लिए एक बेंजोइक एसिड है, आर्गेनिक एसिड है, उसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ये यूरिक एसिड है, अब इसी के पैरेलल ये बेंजोइक एसिड है ना? तो अगर इस एक्सेस है और इसी एक्सेस की वजह से ज्वाइंट्स में पेन आ रहा है और स्वेलिंग आ रही है, ठीक है, तो इस ज्वाइंट के पेन और स्वेलिंग को कम करने के लिए यूरिक एसिड को बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के लिए हम लोग इस एसिड की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं और उसका नाम है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज को यूज करके इस यूरिक एसिड के जो सिम्टम्स है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। दोनों ऑर्गेनिक एसिड हैं, दोनों बॉडी में लगभग एक तरीके से काम करते होंगे और एंटागोनिस्टिक तरीके से काम करते होंगे। तो जॉइंट्स के पेन और स्वेलिंग को रिमूव करना है तो बेंजोइक एसिड के सिम्टम्स को समझना पड़ेगा। तो देखिए, जब यूरिक एसिड ज्यादा है ना, तो यूरिन जो है ऑफेंसिव आएगा। यूरिन कैसा होगा? ऑफेंसिव होगा, स्मेल उसमें ज्यादा होगी, यानी गंध उसमें ज्यादा होगी, यानी यूरिन की स्मेल गंध ज्यादा, तो एक इंडिकेशन है कि यूरिक एसिड निकल रहा होगा। और निकल रहा होगा तो शरीर में एक्सेस में बन भी रहा होगा, और एक्सेस में बन रहा है तभी सिम्टम्स आते हैं रूमेटिज्म या गाउट के। देखिए, क्लियर कट लिखा है ड्यू टू यूरिक एसिड। किसकी वजह से? यूरिक एसिड की वजह से। ऑर्डर ऑफ यूरिन इज ऑफेंसिव, यानी जो महक है, स्मेल है, गंध है यूरिन की, वो ऑफेंसिव यानी तेज महकती है नॉर्मल लोगों के तुलना में। दूसरे सिम्टम्स की बात करें तो ज्वाइंट्स क्रैक ऑन मोशन, जब आप चलते फिरते हैं या कुछ सामान उठाया तो ज्वाइंट्स में कट-कट की आवाज आती है, क्रैक करता है, तो कट-कट की आवाज आना यूरिक एसिड की वजह से हो रहा है। और पेन इन टेंडो एक्लिस, काफी लोगों के उसमें देखा जाता है कि जो टेंडो एक्लिस है उसमें दर्द होता है। अब इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ऊपर से आ रहा है, इस तरह से एक घुटना है, और घुटना से इधर मान लीजिए आपकी इस तरह से पैर है, उंगलियां इस तरह से, तो देखिए घुटने के आगे वाला पोर्शन है और इधर पीछे वाला जो मसल्स है ना, पीछे की एक यहां पर मसल्स ऐसे लगी है, इसी को बोलते हैं टेंडो एक्लिस। यानी घुटना आगे की तरफ और उसके पीछे वाला जो पोर्शन है, पीछे वाला जो मसल्स है वहां पे दर्द होने लगे, तो वो भी बेंजोइक एसिड के डोमेन में आता है, तो उसको टेंडो एक्लिस बोलते हैं। यानी घुटने के जस्ट पीछे वाला पोर्शन, घुटने के जस्ट पीछे वाले पोर्शन को टेंडो एक्लिस बोलते हैं और उसमें दर्द हो। और रूमेटिक गाउट नोड्स आर वेरी पेनफुल, हड्डियों पर गांठ जैसा बन गया है कई पोर्शन में और उसमें दर्द भी हो रहा है। इनिशियली जब छोटा रहता है तो दर्द नहीं करता, जब बड़ा रहता है तो नर्व्स पर प्रेशर क्रिएट करता है तो दर्द भी कर सकता है। तो जो हड्डियों पर जो नोड है, जो गांठ है, वो पेनफुल है, दर्द करता है। और स्वेलिंग ऑफ रिस्ट एंड नी, अगर ये सिम्टम्स यूरिक एसिड का बढ़ता रहा
जो कलाई है उसमें सूजन आ सकती है, घुटना है उसमें भी सूजन आ सकता है, तो स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा भी, और छोटी उंगलियों में, हाथ में, कहीं पे भी ज्वाइंट्स में स्वेलिंग है, पेन है, टेंडरनेस है, तब बेंजोइक एसिड के डोमेन में आता है वो। और टियरिंग पेन इन ग्रेट टो ड्यू टू बोनियन, जैसे यहां पे देखिए अंगूठा इस तरह से, यहां पे ये अंगूठा है, तो अंगूठे की हड्डी इधर बढ़ जाए, यानी अंगूठा जहां पे जुड़ा हुआ है उसकी जड़ पे बढ़ जाए, तो उसी को बोलते हैं बोनियन। बोनियन भी यूरिक एसिड की वजह से होता है, तो बोनियन में पेन हो, तो इस तरह से ये इंडिकेशन है। टोटल 6 इंडिकेशन है, 6 सिम्टम्स में से 3 सिम्टम्स अगर आपसे मैच करें तब आप बेंजोइक एसिड का यूज करें। बेंजोइक एसिड होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा आसानी से, और उसको लेना इस तरह से है। थर्टी पावर कर लीजिए, 4 बूंद सुबह और शाम लीजिए जाए जीभ पर। खाली पेट यानी भोजन से पहले लेना है, सुबह आप ब्रश करें तब दवा ले लीजिए और शाम को भोजन से पहले ले लेना है। तो इस तरह से अगर ऐसे इंडिकेशन आ रहे हैं तो इस दवा से दूर हो सकते हैं। तो आपने वीडियो देखा, जानकारी समझ में आई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये जानकारी फ्रेंड्स को, नियर बाय रिलेटिव में अगर किसी को भी हो तो आप उसको बेंजोइक एसिड में बारे में बताइए और उसका इलाज हो सकता है। थैंक यू।